हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्मू किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन सैंडविच। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला रेसिपी है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चिकन सैंडविच बनाने के लिए आपको लगेंगे 150 ग्राम चिकन बॉईल करके रख लिया है। एक पैन लें, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 प्याज डालें, थोड़े बड़े आकार में काटे प्याज, अच्छे से सॉटे करें। देखिए ये गोल्डन कलर हो गया है प्याज आपका। हरी मिर्च डालिए बारीक कटी हुई, अच्छे से मिक्स करिए प्याज के साथ, अच्छे से भूनिए। अब जो बॉयल चिकन हमने छोटे छोटे पीस करके रखे हैं बॉयल करके, वो डाल लीजिए, अच्छे से सॉटे करिए, अच्छे से मिक्स करिए प्याज और मिर्ची के साथ, अच्छे से मिल जाए। हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिला लीजिए आराम से। देखिए आपका पेस्ट इस तरह से होना चाहिए, आपका फिलिंग जो है इस तरह से होना चाहिए आपका। धनिया पत्ती डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए। बहुत सिंपल है ये बनाना, ऐसे ही बोलते हैं चिकन सैंडविच कैसे बनाएं। देखिए बन जाएगा। बस एक बाउल में इसे रख दीजिए, थोड़े से ठंडे होने के लिए इसे रख दीजिए। अब इसमें मेयोनीज डालिए जो कि इजीली अवेलेबल है, स्प्रिंग ऑनियन डालिए बारीक कटी हुई, अच्छे से मिलाइए। एक स्पून लीजिए और इस तरह से ब्रेड पे अप्लाई करिए आराम से। हमने यहाँ पे ब्रेड एक स्लाइस को काट के रख दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस पे धीरे से अप्लाई करिए इसे आराम से आराम से। देखिए इस तरह से अब ये स्लाइस ऊपर रख दीजिए इसके ऊपर इस तरह से। लो, बन गया आपका चिकन सैंडविच। घर पे ही बनाया करो, शेयर करो। स्टे होम, स्टे सेफ।